हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेडरूम में हर्ष सो रही है और मैं सुबह उसको उठा रही हूँ। आवाज़ लगाई पहले तो मैंने उसको, पर वो सुन ही नहीं रही है, अपना सोने लगी हुई है। रात को सोना नहीं होता है, रात को बहुत लेट सोती है। जब तक मैं नहीं इसके साथ लेटती हूँ, जब तक नहीं सोती है। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और बड़ी बेटी भी स्कूल चली गई है, उसका एग्ज़ाम था आज, तो इसलिए एग्ज़ाम देने चली गई है। अभी इसको स्कूल है, इसका प्लेवे है, इसका लेट जाती है, ये 9:30 या 10 बजे जाती है, तो ये आराम से उठती है सुबह अपना मस्ती में। एक पहले उठाती हूँ, तब तक तो नहीं उठती है जब तक मैं इसको बिठा नहीं देती हूँ। जब बैठे बैठे भी सोने लग जाती है ये, तब तक मैं सुबह के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ अपने। जो भी बेड बनाना है, कंबल की तह लगानी है, ये जो बेडशीट ठीक करनी है, वो काम मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ उसको उठाते हुए। अभी तो मैं उठाने में लगी हुई हूँ कि कैसे ना कैसे उठ जाए। रोज़ का इसका यही होता है कि रोज़ किसी न किसी तरह से उठाना होता है इसको बातों में देकर, क्योंकि स्कूल जाने के लिए मना करती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको बिठा दूँगी तो बैठे बैठे सोती रहेगी ये। मन करता है मन की इसको सोने दूँ, लेकिन पर ये अभी छोटी है, धीरे धीरे थोड़ा आदत पड़ेगी सुबह उठने की, क्योंकि आगे दूसरे स्कूल में जाएगी तो इसको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको जल्दी उठाने की कोशिश करती हूँ कि अभी से ये उठना सीख जाए, क्योंकि आगे जाके इसको सुबह जल्दी उठना होगा तो प्रॉब्लम होगी बहुत, नहीं उठेगी। अभी भी देखिए बैठे बैठे सो रही है ये। जब तक थोड़े से बर्तन रखे हुए थे किचन में साफ़ करने के लिए, तो मैं वो मांझ लूँगी पहले, जब तक वो उठना अपना उठ जाएगी अच्छे से, तो उसको नहला के फिर मेरे को स्कूल भी छोड़ कर आना है। इसका स्कूल पास में ही है तो मैं ही छोड़ कर आती हूँ, मैं ही लेकर आती हूँ। तो जल्दी से मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँगी, फिर इसको नहला धुला कर स्कूल ले जाऊँगी। छोड़ दिया है अर्शु को, अपने पास में ही स्कूल है, तो उसके स्कूल के पास में ही एक गार्डन है, छोटा सा पार्क है। तो पार्क में देखिए, मैं अभी पार्क में होते हुए जाती हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए, और पार्क से ही आती हूँ तो ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स थे। तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ इनको। तो देखिए बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, माली लगे हुए हैं यहाँ पर, जो तो माली ही इनकी देखभाल करते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये पूरी की पूरी क्यारी भरी हुई है फ्लावर्स से, ये सीजनल फ्लावर्स हैं।
यहाँ पर घर मेरे घर के पास में ही एक माली की दुकान है जहाँ से मैं पौधे खरीदती हूँ। तो मैं 2 या 3 दिन में एक बार ज़रूर राउंड लगाती हूँ वहाँ पर। कोई भी नया पौधा होता है अगर मुझे पसंद आता है तो मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। बहुत ही कम, वैसे ज़्यादा पौधे भी नहीं ख़रीदती हूँ, ज़्यादातर तो मैं कटिंग से ही लगाती हूँ अपने यहाँ पौधे। पर जो पौधे मुझे लगते हैं कि ठीक हैं, अच्छे हैं और देखने में भी अच्छे लगेंगे तो वो प्लांट्स मैं यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। अब लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने प्लांट्स ख़रीदे नहीं हैं। मुझे ज़्यादातर एरिका पाम अच्छी लगती है तो मेरे पास बहुत सारी एरिका पाम है। किसी दिन मैं आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी अपनी एरिका पाम्स, मुझे उन्हीं का ज़्यादा। अभी फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। खाना, रात का खाना बनाने से पहले मैं गैस स्टोव को साफ़ कर लूँगी और स्लैब को भी साफ़ कर लेती हूँ किचन की खाना बनाने से पहले। तो मैं वही क्लीनिंग कर लूँगी अपना, उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। डिनर में मुझे सब्जी तो बनानी नहीं है क्योंकि सुबह की सब्जी रखी हुई है, तो सिर्फ आटा गूंथना है और रोटियाँ बनानी है। तो पहले मैं ये किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं आटा वगैरह गूंथ लूँगी। फ्रेंड्स किचन का मैंने आटा गूंथ दिया था। आज मंगलवार है एक्चुअली, और हर मंगलवार को हम मंदिर जाते हैं। जब भी हस्बैंड टाइम से ऑफिस से घर आ जाते हैं तो हम सब मिलकर मंगलवार को मंदिर जाते हैं। अभी आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। जिन फ्रेंड्स को मेरा वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।